नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम करीब 5 बजे ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आसपास खड़ी 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक जिंदल हाउस के पास रोड के डिवाइडर पर एक फ्लावर पॉट में IED मिला, जो संभवतः चलती गाड़ी से वहां फेंका गया था। दूतावास की इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुए इस ब्लास्ट को इजरायल ने आतंकी हमला करार दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इजरायल के दूतावास के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और मौके से कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी मिले हैं। इधर एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर विजय चौक पर ही मीटिंग रिट्रीट चल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई VVIP मौजूद थे। इससे पहले आज दोपहर में ही इजरायली एम्बेसी ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों के 29 सालों की लंबी दोस्ती को लेकर शुभकामनाएं दी थी और एक वीडियो भी शेयर किया था। KYNPost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।